दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और RMRC के डायरेक्टर के साथ मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह की मौजूदगी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया। इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और RMRC के बीच हुए समझौते से विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके प्रतिष्ठित लैब में जाकर अपना शोध कार्य कर सकते हैं और वहां के लोग भी यहां आकर अपना शोध कार्य कर सकते हैं। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और RMRC के डायरेक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव और बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और RMRC की शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, all the members, media program. Today it is going to be the history. The university is going to enter into the long lasting desire to have an MOU so that we can collaborate and we can work together to achieve something better. I remember we met, Dr. Rajnikant Srivastava. When you started working in the field of medical science, because now medical science is a very comprehensive science, it requires great. Dr. Kamran is here. He came to our institute and he delivered some lecture. आपको देना लेना है ना फाइल? आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और RMRC के डायरेक्टर के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वह इन सेंटरों के जो प्रतिष्ठित लैब्स हैं उनमें जाकर के अपना शोध कार्य कर सकते हैं और वहाँ के लोग भी अपना रिसर्च का काम यहाँ कर सकते हैं। हमारा बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग एरिया है जिसमें बहुत सारे अभी रिसर्च शोध हो रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन हो रहा है मेडिकल साइंस में स्पेशली, और हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में जो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको इस MOU से विशेष सहायता मिलेगी और इंसेफ्लाइटिस जैसी जो रीजनल बीमारियाँ हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती हैं उनके भी क्योर में हमें सहयोग मिलेगा और जो हमारे बच्चे हैं इस विश्वविद्यालय के वो अच्छा रिसर्च इनकी सहायता से कर पाएंगे और वहाँ के भी साइंटिस्ट आकर के हमारे जो स्टूडेंट्स को नए नए नॉलेज के डायमेंशन हैं वो बताते रहेंगे और दोनों क्षेत्रों में हमें विश्वविद्यालय के फ़ायदा मिलेगा इसका।